संप्रेषण में अवरोध या भ्रमित संप्रेषण, या फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिसकम्युनिकेशन, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब कि जो आइडिया, फीलिंग्स, इमोशन, नॉलेज जो हम एक दूसरे से आदान प्रदान कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, ट्रांसमिशन कर रहे हैं, उसमें डिस्टर्बेंस पैदा होना। मतलब कि इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि सेंडर जिस इंटेंसिटी से बात कर रहा है या उसको समझाना चाह रहा है, उस इंटेंसिटी से वो समझ नहीं रहा है। ठीक है, मतलब कि ये समझाना कुछ और चाह रहा है, वो समझ कुछ और रहा है, ये बता रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा है। मतलब कि कुछ भी, किसी भी तरह का भी बैरियर होगा। मतलब कि जो सेंडर समझाना चाह रहा है वो रिसीवर को समझ में नहीं आ रहा है, या आ भी रहा है तो 10%, 5%, 3%, 2% ऐसे करके आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब भी हम लोग अगर एक सफल संप्रेषण या कम्युनिकेशन का बात करते हैं तो उसको हम लोग इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब होता है कि जिस दृष्टिकोण से सेंडर उसको समझाना चाहता है उसी दृष्टिकोण से रिसीवर भी आपका क्या होगा, समझ जाता है, तो उसको हम लोग इफेक्टिव कम्युनिकेशन या प्रभावपूर्ण कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, या फिर कम्युनिकेशन सक्सेस भी बोलते हैं। लेकिन अगर वो नहीं समझ पाता है, जो सेंडर समझाना चाह रहा है किसी कारणवश उस इंटेंसिटी को नहीं समझ पा रहा है ना, उस दृष्टिकोण के आधार पे नहीं समझ रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन बैरियर। हो सकता है कि वो क्या कहीं पे खड़ा है, बहुत गाड़ी का आवाज आ रहा है, उसके कारण डिस्टर्बेंस हो सकता है, मोबाइल में बैलेंस खत्म हो गया उसके कारण से भी हो सकता है, या फिर सेंडर जो लैंग्वेज बोल रहा है वो रिसीवर को नहीं आ रहा है, है ना, अचानक से नेटवर्क डाउन हो गया। मतलब कि किसी भी तरह का बैरियर अगर होता है जो सेंटर समझाना या उसको ज्ञान देना चाह रहा है, उसको जो बताना चाह रहा है, नॉलेज को ट्रांसमिशन कर रहा है, उसमें अगर कुछ भी अवरोध प्रकट होता है, ठीक है, या फिर कठिनाइयां आता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन बैरियर या फिर मिसकम्युनिकेशन, है ना, उसी को बोलता है। कि कभी कभी संप्रेषक जिस दृष्टिकोण से अपना संदेश सूचना प्राप्त करता है ना, या सूचना ग्राही के पास पहुंचाना चाहता है, लेकिन किसी कारणवश वह संदेश अपने मूल रूप में नहीं पहुंचता है, इससे संप्रेषण का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, मतलब जिस उद्देश्य से अब कम्युनिकेट करना चाह रहा था, है ना, लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन था वो वास्तविक रूप में या जो उसका ऑथेंसिटी था वो उस फॉर्म में रिसीवर के पास पहुंचा ही नहीं। जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं कि आप किसी को बोले कि उसको जाके बोलो कि कल तुम्हारा पापा ना डांटेंगे, ये गलती किया था। ठीक है, या फिर उसका पापा बोला या कोई भी बोला होगा। अब इसका दोस्त आके इसको बोल रहा है, अबे कल जाएगा ना तो पापा धोवेगा तुमको रगड़ के, तो ऐसा काम किया था ना, अच्छा वो धोएगा, मम्मी वो धोएगा। मतलब यहाँ छोटा सा इन्फॉर्मेशन था कि ताकि इसको बोले ये सुधर जाए, लेकिन इसको आके यहाँ पर क्या हुआ, मिर्च मसाला जो लगाना था वो पूरा लगा दिया। जैसे कि न्यूज वाला लोग ऐसे ही ना करता है कि तो मिर्च मसाला लगा लगा के ठीक है आपको टेस्टी बना देता है। तो यहाँ पर भी वही बोल रहा है कि जिस उद्देश्य से, है ना, या जिस फॉर्म में इंफॉर्मेशन सेंडर जो है रिसीवर को पहुंचाना चाहता है उस फॉर्म में उसको नहीं मिलता है। तो जब नहीं मिलता है तो या तो ओवर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा या तो अंडर इन्फॉर्मेशन मिलेगा, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसी को हम लोग संप्रेषण अवरोध या फिर कम्युनिकेशन बैरियर कहते हैं। अब देखिए, ये जो कम्युनिकेशन बैरियर है वो डिफरेंट लेवल पे हो सकता है, है ना, जैसे कि एक तो सेंडर के तरफ से भी हो सकता है, दूसरा रिसीवर की तरफ से हो सकता है, और तीसरा मीडियम की तरफ से हो सकता है, माध्यम के द्वारा, माध्यम जो हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सेंडर की तरफ से प्रॉब्लम कहाँ पर हो सकता है कि वो कोडिंग कर रहा है, कोडिंग में कोई स्पेलिंग गलती हो गया, सैम्बल देना भूल गया, या फिर उसको ध्यान में ही नहीं रहा कि जो रिसीवर है वो किस लैंग्वेज का में उस समझ में आता है। ठीक है, तो संदेश की रचना तथा विचार के गठन में ये गलती हो सकता है कि हमको प्रॉपर वे लिखना चाहिए था लेकिन हम आधा अधूरा ज्ञान दे दिए। कभी कभी क्या होता है कि आधा लिखा हुआ है आधा बोल है, भूल गया, या फिर जब हम लोग मैसेज टाइप करते हैं कभी कभी देखिएगा के जगह पर जे लिखा जाता है, जे के जगह पर एल लिखा जाता है, तो ये आपका सेंडर की तरफ से गलती हो सकता है, इनकोडिंग करने में भी हो सकता है और इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने में भी गलती हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा, लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, उसका इनकोडिंग करने में भी हो सकता है, या फिर उसके बदले में हमको लिखना क्या है ये इसमें भी बैरियर हो सकता है। तो हो सकता है लैंग्वेज बैरियर भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे और क्लियर होगा। नेक्स्ट जो है संदेश प्राप्तकर्ता के स्तर पे, मतलब कि रिसीवर के लेवल पे। तो ये मान के चलते हैं कि आपका जो मेल आ रहा है उसमें आपको
या फिर कोई चैट कर रहा है उसमें वो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, इग्नोर कर दे रहे हैं, या फिर लेट से खोल रहे हैं, ठीक है। दूसरा कि आपको जो भेजा गया है उसको समझने के योग्य ही नहीं है, मतलब कि आप उस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। मतलब कि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, एजुकेशन लेवल, ठीक है, और जो इनकोड किया है उसको समझने की कैपेसिटी नहीं होता है। तीसरा जो होता है माध्यम के स्तर पर, ठीक है, कि आपका मोबाइल है, मोबाइल खराब हो गया, नेटवर्क चला गया, ठीक है, मोबाइल जो है पानी में डूब गया, सिम ब्लॉक हो गया, ये सारा चीज़, कंप्यूटर जो है खराब हो गया, मोबाइल खराब हो गया, तो ये सारा चीज़ माध्यम के स्तर पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है प्रतिक्रिया, है ना, तो प्रतिक्रिया या फिर इसको फीडबैक बोलते हैं, कि आपने मैसेज किया, समझ गया, सब चीज़ किया, लेकिन वो रिप्लाई नहीं दिया कुछ, आप कन्फ्यूज में है, खाली देख रहे हैं कि रेड हुआ कि वाइट हुआ, है ना, ग्रीन हुआ। तो इस केस में क्या होता है कि जो सेंडर है उसको कन्फ्यूज में ही रहता है कि हम जो भेजे मैसेज उसको समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं समझ में आया, है ना। तो ये चारों लेवल पे क्या होता है आपका कम्युनिकेशन बैरियर हो सकता है, कम्युनिकेशन बैरियर का प्रकार, है ना, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर। तो इसको बेसिकली जो है वो तीन क्राइटेरिया में डिवाइड करता है, चार, तीन या चार क्राइटेरिया। पहला जो है भौतिक तथा आंतरिक अवरोध, मतलब फिजिकल एंड मैकेनिकल बैरियर। दूसरा जो है सिमेटिक बैरियर या फिर भाषा संबंधित अवरोध। तीसरा है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। चौथा है सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर। नहीं होगा, हम लोग का कितना था, चार तरफ का था ना, एक फिजिकल मैकेनिकल बैरियर, दूसरा था सिमेटिक बैरियर मतलब लैंग्वेज बैरियर, तीसरा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर था, और चौथा सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर था। ये पहला भौतिक तथा आंतरिक अवरोध या फिजिकल एंड मैकेनिकल बैरियर। इसमें बेसिकली क्या आता है कि जितने भी हमारा टेक्निकल टूल्स मशीनरी जिसके थ्रू हम कर रहे हैं उसमें कुछ फॉल्ट आ जाना, है ना, जो मशीनरी तंत्र का या मशीनरी टूल्स का जो हम प्रयोग कर रहे हैं उसमें हमारा गड़बड़ हो जाए, है ना, या फिर खराब हो जाए। जैसे पहला जो होता है 100 और ज़्यादा हो जाए, नॉइज पोल्यूशन, कि नॉर्मल मोबाइल से बात कर रहे हैं लेकिन उसमें साउंड आ गया, घर घर करने लगता है, उसमें भी हो जाएगा, या बाहरी शोर हो गया, या फिर गाड़ी घोड़ा कहीं पर भी का होगा। दूसरा कि पुअर लाइट, मतलब अगर मतलब विजुअल देख रहे हैं, लाइट नहीं है तो इसके कारण भी हो सकता है, या फिर कम मैसेज कर रहे हैं उसके कारण भी हो सकता है, मतलब कि जितना इन्फॉर्मेशन होना चाहिए उसमें उतना नहीं है, आधा लिख के छोड़ दिए हैं। एक्सेसिव मैसेज, ठीक है, कि जैसे कि व्हाट्सएप में कभी कभी देखते हैं ना, इतना लंबा आता है कि आदमी लोग पढ़ता ही नहीं है, खाली ऊपर देख के छोड़ देता है, तो उतना लेंथी भी नहीं होना चाहिए। फिर माध्यम में खराबी, मतलब डिफेक्टिव इन मीडियम, मोबाइल में खराबी, इंटरनेट में खराबी, है ना, कंप्यूटर पे खराबी, ये सारा चीज़ आ गया तो भी कम्युनिकेशन बैरियर हो जाता है। उसके बाद एकांत भंग, मतलब कि डिस्टर्बेंस इन प्राइवेट। तो यहाँ पर देखिए कि जो कम्युनिकेशन है वो इस पर भी डिपेंड करता है कि आप किस प्लेस में है, प्राइवेट प्लेस में है कि पब्लिक प्लेस में है। तो अगर प्राइवेट प्लेस में है तो कम्युनिकेशन ज़्यादा होता है, पब्लिक प्लेस में कम होता है, ठीक है। कि अगर आप एकांत जगह पर हैं तो पूरा कोपचा में बैठ के बहुत बतिया रहे हैं, बतिया रहे हैं, जो मन है वो बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे दूसरा सेंस में हम लोग देखते हैं ना, जब पब्लिक प्लेस में आते हैं तो हम लोग ज़्यादा बात करते हैं। पब्लिक प्लेस कहने का मतलब होता है कि आप घर से निकल गए, है ना, किसी ऑर्गेनाइजेशन से आप जॉब कर रहे थे वहाँ छूट गए, तो जब आप पब्लिक प्लेस में आते हैं तो आप ज़्यादा कम्युनिकेट करते हैं, ज़्यादा तरह से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है, किसी को गाली भी दे देते हैं, किसी को कमेंट भी कर देते हैं, कोई मिल गया तो हाँ हाँ ही, जो करना होता है वो कर देते हैं, इसलिए पब्लिक प्लेस में ज़्यादा कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। दूसरा चीज़ कि प्राइवेट में भी होता है ना, लेकिन अगर ये दोनों जगह पर अगर आपका डिस्टर्बेंस अगर होता है, जैसे पब्लिक प्लेस में कर रहे हैं तो कोई भी आके डिस्टर्ब भी कर सकता है, वाइडर कम्युनिकेशन तो होता है लेकिन डिस्टर्बेंस भी उतना ही ज़्यादा होता है। उसी तरह से अगर आप प्राइवेट प्लेस में है तो ज़्यादा एक्सेसिव बात करेंगे, वहाँ पर डिस्टर्बेंस कम होता है, लेकिन जहाँ पर भी कोई भी प्लेस, प्राइवेट या पब्लिक प्लेस में अगर आपका डिस्टर्बेंस आ रहा है तो वहाँ पर कम्युनिकेशन बैरियर हो जाता है। दूसरा है टाइम एंड डिस्टेंस। आजकल तो डिस्टेंस का उतना वैल्यू नहीं रह गया है, लेकिन टाइम का वैल्यू बहुत है। आप देखिए कोई सुबह जा रहा है, सुबह 9 बजे कर रहा है, उसमें उसको जॉब जाने का या फिर कहीं पे काम करने के लिए तैयार होकर जाना पड़ता है, तो उसमें कितना काम, कितना बात करेगा, जॉब में है वहाँ पर नहीं बात कर सकता है। शाम में आया थक के, उसमें आप बोलिएगा कि भाई बात करो, तो उसमें नहीं बात करेगा, वो डिपेंड करेगा कि आप किस तरह का बात करना चाह रहे हैं। दूसरा
कि घर का सिचुएशन, उसका मेंटल स्टेबिलिटी क्या चल रहा है उस समय, उस पर भी निर्भर करता है। दूसरा चीज़ होता है कि डिस्टेंस, है ना। डिस्टेंस खाने का मतलब, अगर सामने सामने है तो ज़्यादा बात कीजिएगा, दूर में है तो कम बात कीजिएगा, है ना, सही से नहीं सुनाई देगा। लेकिन फ़ोन पे बात, फ़ोन में जब हो जाता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जब हो जाता है, तो आप कहीं पर भी रहिए, कितना हो बात करना है कीजिएगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ हमारा इम्पोर्टेंट होता है, समय एवं दूरी। उसके बाद होता है सिमेटिक बैरियर। देखिए, कम्युनिकेशन के लिए भाषा का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका अदा करती है। क्यों? क्योंकि आपकी भाषा, अगर सेंडर की भाषा अगर रिसीवर नहीं समझ रहा है, तो ये आपके लिए व्यर्थ हो जाता है। जैसे कि क्लासरूम में कभी कभी क्या होता है कि बच्चे हिंदी मीडियम का है, वहाँ पर इंग्लिश लेक्चर होता है, सब बदमाशी करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको बुझाता ही नहीं है, या फिर कोई कितना अच्छा ज्ञान देते रहे, उस भाषा को आप समझ ही नहीं रहते हैं। तो भाषा लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ा बैरियर हो जाता है, है ना। जैसे नॉर्थ साउथ में होता है कि साउथ वाला लोग नॉर्थ में जाता है तो उन लोगों का भाषा बुझाता ही नहीं है, या फिर साउथ वाला नॉर्थ में आता है तो उन लोगों को कुछ नहीं बुझाता है। लेकिन एक राहत होता है कि अगर साउथ वाला लोग नॉर्थ में आता है तो हिंदी करीब करीब हर जगह पर रहता है इसका, तो हिंदी समझ में आ जाता है। लेकिन अगर नॉर्थ वाला साउथ में जाता है तो तमिल का अपना भाषा बना के रखा हुआ है ना, हाँ। फिर कन्नड़ वाला जो है वो उधर, उसका अपना भाषा है, तो उस समय में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ना। तो ये लैंग्वेज बैरियर होने के कारण क्या होता है कि कोई भी हम लोग अपना देश में ही आसानी से नहीं घूम पाते हैं। फिर नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए तो बहुत जगह होता है जो ट्राइब सोसाइटी है, वहाँ पर ट्राइब ही रहता है, तो उन लोग अपना भाषा होता है जो हम लोग को समझ में नहीं आता है ना। यहाँ तक कि बहुत कोई बिहारी को नागपुरी समझ में नहीं आता है, नागपुरी वाले लोगों को बहुत कोई बिहारी समझ में नहीं आता है, ठीक है। खोरठा वाला लोग हो गया तो फिर वो उसको दोनों समझ में आता है। उसी तरह से क्या होता है, या फिर कोई बात कर रहे हैं आप उसमें मल्टीपल लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, तो इसमें भी लोगों को समझने में दिक्कत होता है, ठीक है। क्योंकि अगर मान के चलते कोई हिंदी इंग्लिश समझता है और उसमें आप मराठी घुसा दे रहे हैं, बीच बीच में भोजपुरी डाल दे रहे हैं, ठीक है, तो वो कॉमेडी के लिए अच्छा होता है, लेकिन कोई भी इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज में ये बहुत कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न कर देता है। या फिर हम लोग का होता है कि हिंदी बात करते करते कभी ठेठ कवर शामिल आ जाता है, या फिर उसी भाषा में हम लोग बात करने लगते हैं अपना लोकल लैंग्वेज में, जबकि दूसरा को लोकल लैंग्वेज नहीं आता है। तो ये भी हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ना, कम्युनिकेशन बैरियर का। दूसरा कि हम लोग डबल मीनिंग वर्ड इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है, अनेकार्थक शब्द का प्रयोग, मल्टीपल यूज ऑफ मल्टीपल मीनिंग वर्ड्स, है ना। कभी कभी क्या होता है कि एक ही वर्ड का अलग अलग मीनिंग होता है, जैसे बोलते हैं ना डबल मीनिंग आजकल बहुत चलता है, कि एक कोई कुछ बोल रहा है उसका एक लग रहा है आपको सीधा आंसर है, मतलब वही चीज बोल रहा है लेकिन उसका मीनिंग कुछ और हो जाता है। जैसे कि अगर आप कविता पढ़ते हैं, पोएट पोएम, तो उसमें क्या होता है कि वर्ड तो सिंपल रहता है लेकिन वो इस तरह से लिखा हुआ रहता है कि उसका मीनिंग कुछ और निकलता है, है ना। उसी तरह से जब हम लोग मुहावरा फ्रेज, क्योंकि ज़्यादातर हमारा जो जनरल भाषा में हम इस दोनों का उपयोग नहीं करते हैं, स्पेशल केस में करते हैं, लेकिन आप जनरल बातचीत में हर बात पे फ्रेज यूज कीजिएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना। तो ये सब जो होता है ये भी हमारा क्या होता है, बैरियर होता है। क्योंकि अगर हिंदी में बोलिएगा हिंदी वाला लोग के साथ तो वो समझ में आ जाएगा, जो हिंदी जानता है उसको वहाँ इंग्लिश एडम सब पूरा भर दे रहे हैं, मुहावरा पूरा लगा दे रहे हैं। किसी को बोले बोलिएगा खोदी पहाड़ निकली चूड़िया, तो वो समझ में आ जाएगा, लेकिन उसी को इंग्लिश में बोलिएगा तो उसका कि जो हम लोग शब्द का प्रयोग करते हैं ना, वो शब्द हमारा क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, ठीक है। और जो हम हमारा सेंटेंस होता है वो भी हमारा सही होना चाहिए, और जो हम कोडिंग कर रहे हैं उसका कोडिंग भी आपका सही सही तरीका से होना चाहिए, ठीक है। सूचक तथा आधिक्य, सूचक शब्दों का प्रयोग, मतलब कि जैसे सिंबल है ना, अब ज़्यादा ज़्यादा हर बात पे आप सिंबल यूज कर रहे हैं या फिर कोई साइंस यूज कर रहे हैं, तो उसमें भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। ये प्रशासनिक एवं तकनीकी शब्दावली का इस्तेमाल, बहुत सारा हर लैंग्वेज में क्या होता है कि एक टेक्निकल डिक्शनरी होता है। जैसे कि हम लोग का अगर सरकारी कोई भी दस्तावेज अगर हम लोग पढ़ते हैं, डॉक्यूमेंट अगर पढ़ते हैं, तो देखिएगा उसमें इतना हाई स्टैंडर्ड हिंदी लिखा हुआ रहता है कि अधिकतर को नहीं बुझाता है, ठीक है। या फिर इंग्लिश में भी देखिएगा तो वो हाई स्टैंडर्ड यूज कर देता है। तो इस तरह का भाषा का प्रयोग अगर करते हैं ना, तो भी हमारा कम्युनिकेशन बैरियर होता है, या तो उसका रॉन्ग इंटरप्रिटेशन कर देते हैं, या फिर उसको अंडरस्टैंडिंग रहता है, कम समझ में आता है, या फिर कुछ उसका मतलब ही कुछ और निकाल देता है। तो प्रॉपर अगर कम्युनिकेशन करना है या प्रॉपर संप्रेषण करना है, तो आपको सिंपल और स्वच्छ भाषा का प्रयोग करना होगा, है ना।
उसके बाद क्या होता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ये बेसिकली जब आप कहीं पे काम कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, चाहे वो सरकारी नौकरी का हो या प्राइवेट सेक्टर का हो, ठीक है, उसमें ये चीज़ लागू होता है। तो पहला क्या होता है, अगर स्टाफ के बीच बनता नहीं है, मतलब कि जो एक डिपार्टमेंट है दूसरे डिपार्टमेंट को देखना नहीं चाहता है, तो वहाँ कम्युनिकेशन जो है कभी सही नहीं होगा। या अब स्टाफ के बीच इंटर रिलेशनशिप अगर सही नहीं है तब भी आपका कम्युनिकेशन बैरियर हो जाएगा, क्योंकि वो बोलेगा ही सुनेगा ही नहीं, और सुनेगा तो कुछ करेगा ही नहीं, ठीक है। दूसरा, अगर लैक ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस है ना, कि अगर कम्युनिकेशन डिवाइस ही नहीं है तो आप किससे बात कीजिएगा। जैसे कि अगर कुछ आपको तकलीफ है तो आप बात करना चाहते हैं सरकार से, लेकिन उसके पास आपके पास कोई मीडियम नहीं है बात करने का, ठीक है। तो इसके कारण से भी होता है लैक ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस मेथड। तीसरा चीज है कि अगर चैन सिस्टम आपका ज्यादा लॉन्ग है ना, अभी जो बता रहे थे डाउनवर्ड और अपवर्ड में, तो उसमें भी कम्युनिकेशन बैरियर हो जाता है। कि एक व्यक्ति गांव से आता है ना, उसको मान लीजिए मार्कशीट निकालना होता है, तो वो आएगा, फिर एक फॉर्म खरीदेगा, फिर फॉर्म को भरेगा, फिर एक जगह पर जमा करेगा, फिर जमा करने के बाद नहीं साइन करवाएगा, साइन करवाने के बाद फिर दूसरा जगह जाकर साइन करवाएगा, फिर तीसरा जगह जमा होगा, फिर अप्रूव करके वो दूसरा टेबल पर भेजेगा, फिर वो जाके तीसरा टेबल में जाएगा वीसी के पास, फिर यहाँ से अप्रूव करेगा, फिर अप्रूव करके तब फिर जो वास्तविक डिपार्टमेंट जो है उसको वहां पर जाएगा। तो अगर लंबा चैन सिस्टम रहेगा तब भी आपका कम्युनिकेशन बैरियर होता है। अगर आपका पॉलिसी और रूल्स अगर ज्यादा मतलब कि जैसे कोई कोई घर में देखते हैं ना कि ज्यादा रिस्ट्रिक्शन फॉलो किया जाता है ना, तो वहां पर कम्युनिकेशन कम होता है। अगर कड़ा रूल है, ठीक है, रूथलेस रूल, तब भी आपका कम्युनिकेशन कम होगा। अगर रूल थोड़ा सा लिबरल है तो आपका वहां पर कम्युनिकेशन ज्यादा होगा। वो पॉलिसी एंड रूल दोनों पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि किस तरह का पॉलिसी है। देखिए कहीं कहीं पे आप जाइएगा तो आपका मोबाइल सारा चीज आपको एक जगह पर रख लेगा, आपको केवल सिंगल भेजेगा, आप कोई भी डिवाइस नहीं ले जा सकते हैं, किसी से हर किसी का चैम्बर अलग अलग है, आप अपना काम कीजिए, वो दूसरा अपना काम कर रहा है। तो इस केस में आपका कम्युनिकेशन जो भी होगा वो बैरियर हो जाएगा, सही कम्युनिकेशन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अगर सिलेक्शन ऑफ रॉन्ग मीडियम, अगर आप गलत मीडियम भी अगर चुनाव कर लेते हैं, आपको तुरंत भेजना है तो मैसेज भेजिएगा, ठीक है, मैसेज नहीं भेजिएगा तो ईमेल कीजिएगा। अब देख यहाँ पर आपको जानना होगा कि लोग जल्दी क्या खोलते हैं, तो जल्दी मैसेज खोलते हैं, ईमेल तो भी उतना जल्दी नहीं खोलते हैं, लेकिन जिसको खोलना है खोलते हैं। अब इसके जगह पर आप स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा कुछ लिख के, तो ये क्या हो जाएगा, आपका गलत चॉइस हो गया मीडियम का, कि आपको अभी तुरंत बात करना था तो फोन था, फोन लगा लेते है ना, आपको लेटर लिख के स्पीड पोस्ट करने की क्या जरूरत था। तो ये सारा चीज आपका प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट जो है सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर है ना, ज्ञानात्मक अवरोध, ठीक है, ये आपका बेसिकली मेंटल या मानसिकता पे आधारित है, एटीट्यूड और थॉट, ये सारी चीज पे आधारित है। जैसे कि अति एवं अल्प संप्रेषण, जैसे देखिए किसी किसी का क्या होता है कि कम बोलेगा है ना, और किसी किसी का ज्यादा होता है टको क्या बोलते हैं उसको, टपा टप बोलते रहेगा है ना, इतना बोलेगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप उससे पूछे कि लालपुर जाने का रास्ता किधर से है, और आपको पूरा बताया जा रहा है कि इधर से जाइए तो इतना किलोमीटर होगा, उधर से जाइए तो इतना किलोमीटर होगा, मतलब कि इतना बता दिया कि आपको समझ में नहीं आया। तो ये दोनों केस में हमारा कम्युनिकेशन बैरियर होता है ना, एक तो आपको ज्यादा बता नहीं रहा है, दूसरा इतना बता दे रहा है कि आपका दिमाग ओवरलोड हो जा रहा है, ठीक है। किसी किसी का आदत होता है, या फिर किसी को पूछिएगा तो पहले तो एक घंटा सोचेगा, उसके बाद जवाब देगा, और जवाब देगा तो एक ही बार देगा, हम नहीं जानते हैं, ठीक है। तो अल्प और अति ये दोनों क्या होता है, खराब होता है कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है सूचना का स्रोत, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। बहुत कोई क्या होता है कि एट रेंडम बात करता है, आजकल यूट्यूब का ज्ञान आप जानबे करते हैं, कोई भी अपना मनगढ़ंत कहानी बना देता है। किसी किसी को देखिएगा कि वो सोर्स के साथ बात करेगा, एविडेंस के साथ बात करता है, तो जो एविडेंस के साथ बात करेगा उसका कम्युनिकेशन ज्यादा होगा, उसका लोग ज्यादा सुनेंगे, और जो अट्रेंडम बात करेगा, हवा हवाई बात करेगा, उस पर लोग विश्वास नहीं करेंगे, मतलब उसका बात नहीं मानेंगे। उसके बाद होता है अटेंशन, कि आप किसी से बात कर रहे हैं उसकी ध्यान किसी कहीं और है ना, तो उसमें भी आपका प्रॉपर बात वो नहीं सुनेगा, अचानक बोलेगा अच्छा चलते हैं, अच्छा ठीक है निकलो ना, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि यहाँ पर आई कॉन्टेक्ट वाला कहानी आ जाएगा। अगर आप बात कर रहे हैं तो दोनों एक दूसरे के सामने आमने सामने मुंह करके फेस करके आपको बात करना होगा, लेकिन अगर अटेंशन की कमी है, आपका बार बार जो ध्यान है विकेंद्रित हो जा रहा है ना, मतलब कि बहुत सारे प्रदर्शनकारी हैं या प्रदर्शन हो रहा है उधर की ओर, आपकी ध्यान जो है भ्रमित हो जा रहा है या भटक जा रहा है,
तो उसको आप क्या कीजिएगा, ये भी आपका कम्युनिकेशन बैरियर होता है ना। तो ये ज़्यादा सिर्फ देखा जाता है कि जिसके साथ आप इंटरेस्ट नहीं है उसके, वो कोई अगर बात बोल रहा है या आपको रुचि नहीं है, तब इस तरह के देखना पड़ता है। क्लासरूम में सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम होता है कि बच्चा लोग को बॉडी यहाँ पर मौजूद होता है लेकिन दिमाग कहीं और रहता है, ध्यान कहीं और रहता है, इसके कारण प्रॉपर वो सुन नहीं पाता है। नेक्स्ट जो है स्टेटस कॉन्सियसनेस है ना, स्थिति के बोध, मतलब कि स्टेटस करने का मतलब अगर किसी को घमंड है कि हम तो अमीर हैं भाई, तो गरीब से कभी बात नहीं करेगा, अगर बात करेगा तो भी वो इग्नोर करके चला जाएगा। तो यहाँ पर स्टेटस अगर कोई मेंटेन करना चाहता है तो वहाँ पर कम्युनिकेशन बैरियर हो जाएगा, और जो स्टेटस मेंटेन नहीं करता वो किसी से भी कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, जैसे कि एक स्टूडेंट है और एक टीचर है, तो टीचर अगर अपना लेवल मेंटेन करेगा कि हम तो प्रोफेसर हैं, बच्चों से क्या बात करेंगे, इन लोग तो कचड़े के डब्बा का होता है, तो वो क्या होगा, आप कुछ भी पूछेगा तो उल्टा आप ही को डांट के भगा देगा। ठीक है, तो यहाँ स्टेटस भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है आपका कम्युनिकेशन को सफल बनाने में या सक्सेस बनाने में। व्यवहार तथा दृष्टिकोण है ना, बिहेवियर एंड एटीट्यूड, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि किसके साथ आपका कैसा बनता है, कैसा रिलेशनशिप है, और उसकी नज़रिया आपके प्रति कैसा है। अगर सही है तो बात बनेगा, और नहीं सही है तो फिर बात नहीं करेगा। आपकी गुडविल जेस्चर पे भी डिपेंड करता है कि आपके बाजार में कितना वैल्यू है, या फिर जिससे बात कर रहे हैं वो आपको कितना रिस्पेक्ट कर रहा है, अगर नहीं रिस्पेक्ट कर रहा है तो वो आपसे बात भी सही से नहीं करेगा। नेक्स्ट जो है सेल्फिश ना, कि सिर्फ अपने बारे में, स्वार्थी लोग जो सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा है, तो अपने बारे में अगर सोचेगा तो जैसे ही उसका तारीफ करते रहिए बहुत आपको प्रशंसा करेगा है ना, बड़ी बात करेगा, जहाँ अपना डाले ठीक है अपने बारे में बताना शुरू किए बस छोड़ के चल देगा। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फिश। बहुत को ऐसा आदत होता है कि वो अपना तारीफ सुनना चाहेगा तो बहुत बात कीजिए, और जहाँ उसको आप बोल दिए तू तो ऐसे खराब है बस, वैसे ठीक है जाओ हम आज बात करने के मूड में नहीं है, तो इसके कारण से भी होता है। बहुत कोई ऐसा कोई मिलता है सेल्फिश, कि अगर आपको तारीफ कर रहा है तो पूरा सुने जा रहे हैं, और आपकी बुराई होगा तो आप नहीं बात करेंगे। फिर ट्रस्ट है ना, तो डिस्ट्रस्ट हम होंगे यहाँ पर, तो अगर ट्रस्ट है तो ज़्यादा कम्युनिकेशन होगा, और किसी से अगर ट्रस्ट नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, तो आपका कम्युनिकेशन बैरियर हो जाएगा, कम कम्युनिकेशन होगा। उसके बाद होता है क्लोज माइंडेड, या इसको हम लोग बोलते हैं नैरो माइंडेड। देखिए जो नैरो माइंडेड होता है वो अपना उसका एक विचारधारा है, उसी में वो फंसा हुआ रहता है, वो उससे बाहर नहीं निकलता है, और जहाँ बाहर की बात हो उसके पास कीजिएगा तो आपको फिर बढ़िया से सुनाएगा, बोला ऐसा चीज़ होता ही नहीं है, नैरो माइंडेड। उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स ना, कट्टरपंथी, छोटा सोच, कि वो जो बोल दिया तो बोल दिया, वही सही है, बाकी बात सब बेकार है। ठीक है, दूसरा चीज़, बहुत सारा चीज़ होता है भावना, भावनाओं में बह जाना, कि कोई आपका इमोशन का कहानी सुना रहा है ठीक है, और आप इमोशन में बहे जा रहे हैं, आप उसके बात सुने ही नहीं जा रहे हैं। ठीक है, और किसी के साथ अगर इमोशनली अटैच है तो ज़्यादा फायदा होता है, ज़्यादा कम्युनिकेट हो जा पाता है।